सुचित्रा सेन ये नाम ही लोगों का मन मोहने के लिए काफी था, और अगर इनकी अदाकारी के बारे में बात करें तो इनका कोई तोड़ नहीं था। साल 1952 में सुचित्रा सेन ने बतौर अभिनेत्री बनने के लिए फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा। 1955 में सुचित्रा सेन ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कदम रख दिया। उन्हें शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के मशहूर बांग्ला उपन्यास देवदास पर बनी फिल्म में काम करने का मौका मिला। विमल राय के निर्देशन में बनी इस फिल्म में उन्हें अभिनय सम्राट दिलीप कुमार के साथ काम करने का मौका मिला। फिल्म में उन्होंने पारो का किरदार निभाया, जिसे जनता ने खूब सराहा। में सुचित्रा सेन की एक और सुपरहिट फिल्म सात पाके बांधा प्रदर्शित हुई, जिसमें उन्होंने एक ऐसी युवती का किरदार निभाया जो विवाह के बाद भी अपनी माँ के प्रभाव में रहती थी, जिसकी वजह से पति के साथ उसकी नहीं बनती थी, लेकिन जब तक उसे इस बात का एहसास हुआ उसका पति उसे छोड़कर जा चुका था। इस फिल्म में उनके जबरदस्त अभिनय के लिए उन्हें विदेश में सर्वश्रेष्ठ अदाकारा का पुरस्कार भी मिला। इस फिल्म को मॉस्को फिल्म फेस्टिवल में दिखाया गया, जहां उन्हें सर्वश्रेष्ठ फिल्म अभिनेत्री के पुरस्कार से नवाजा गया। सुचित्रा ने बड़े से बड़े फिल्मकारों के साथ काम करने का प्रस्ताव ठुकराया है। सुचित्रा ने राज कपूर के साथ सिर्फ इसीलिए फिल्म करने से मना कर दिया क्योंकि नीचे झुककर फूल देने का अंदाज उन्हें पसंद नहीं आया। साथ ही उस वक्त के दिग्गज फिल्मकार सत्यजीत रे के साथ भी उन्होंने देवी चौधरानी बनाने से इनकार कर दिया। इसके बाद साल 2005 में उन्होंने दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भी ठुकरा दिया, क्योंकि इसके लिए उन्हें कोलकाता छोड़कर दिल्ली जाना पड़ता। उत्तम कुमार और सुचित्रा सेन की जोड़ी एक जमाने में बांग्ला सिनेमा की सबसे लुभावनी जोड़ी थी। इन दोनों ने अग्नि परीक्षा, शाप मोचन, इंद्राणी, सप्तपदी जैसी यादगार फिल्मों में काम किया। साल 1953 से 1978 के बीच सुचित्रा ने हिंदी और बांग्ला मिलाकर 61 फिल्में की। इनमें से 20 से ज्यादा फिल्में ब्लॉकबस्टर रही और वहीं एक दर्जन फिल्में सुपरहिट रही। अपने दमदार अभिनय से दर्शकों के बीच खासा पहचान बनाने वाली सुचित्रा सेन 17 जनवरी 2014 को इस दुनिया को अलविदा कह गई। वीडियो डेस्क, अमर उजाला टीवी, नई दिल्ली।